नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पे। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैसे हम लोग किसी आर्च की वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों मेनली हम लोगों के पास टू टाइप की आर्च है। पहला है दोस्तों सेगमेंटल आर्च, दूसरा है सेमी सर्कुलर आर्च। तो इन दोनों आर्च की वॉल्यूम हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो दोस्तों सेगमेंटल आर्च के केस में देखिए, ये जो एंड साइड है इसको हम लोग अगर इस तरीके से एक्सटेंड कर ले और इस साइड को अगर हम लोग सेम तरीके से एक्सटेंड कर ले तो यहाँ पर देखिए मुझको सेंटर मिलेगा। ओके, और ये क्या होगा, ये आ जाएगा इसका रेडियस। ओके, अगर हम लोग सेमी सर्कुलर आर्च की केस में देखें, इस एंड को अगर हम लोग इस तरीके से एक्सटेंड कर ले और इस एंड को अगर हम लोग सेम तरीके से एक्सटेंड कर ले तो ये एक ही लाइन होगा और यहाँ पर कहीं पर आपको सेंटर मिलेगा। ओके, और यहाँ पर जो एंगल आपको मिलेगा ये मिलेगा आपको 180 डिग्री का एंगल सेमी सर्कुलर आर्च के केस में। बट जो सेगमेंटल आर्च है यहाँ पर जो थीटा आएगा ये 180 डिग्री से कम आएगा। ओके, तो सेगमेंटल आर्च के केस में देखिए, अगर मैं एक हॉलो सर्किल ले लेता हूँ, ये मान लीजिए मेरे पास एक हॉलो सर्किल है, अगर मैं इसको आधा कर दूंगा, ओके, इस तरीके से देखिए मैं इसको आधा कर लिया हूँ तो ये आपको कैसा दिखेगा, सेमी सर्कुलर आर्च। अगर मान लीजिए आधा से भी मैं कम ले रहा हूँ इस तरीके से, ओके, तो ये जो पार्ट आप देख पा रहे हैं ये कैसा आपको दिखेगा, ये आ जाएगा सेगमेंटल आर्च। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग सेमी सर्कुलर आर्च की वॉल्यूम निकालना सीखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं सेमी सर्कुलर आर्च की 2D व्यू। ओके, ये है दोस्तों फ्रंट व्यू, ये है इस सेमी सर्कुलर आर्च की थिकनेस टी, इसको हम लोग कह रहे हैं स्पैन। यहां पर मान लेते हैं सेंटर है तो ये क्या आ जाएगा इसका हाइट, तो हाइट इक्वल टू क्या होगा, स्पैन बाय टू सेमी सर्कुलर आर्च के केस में। ओके, यहां पर आप देख सकते हैं इसका 3D व्यू, ये क्या है दोस्तों, ये है इसका थिकनेस और ये है दोस्तों इसका विथ। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये है दोस्तों इसका थिकनेस और ये है दोस्तों इसका विथ। ओके, अगर हम लोग इसका क्रॉस सेक्शन ले लें तो क्रॉस सेक्शन की प्लान व्यू कुछ इस तरीके का दिखेगा, रेक्टेंगुलर और स्क्वायर, ये क्या है दोस्तों इसका क्रॉस सेक्शन। तो यहाँ पर भी मैं इसको शो कर देता हूँ, तो यहाँ पर देखिए इस तरीके का कुछ दिखेगा। ओके, यह है दोस्तों क्रॉस सेक्शन इसका, इस तरीके का दिखेगा। अब फ्रेंड्स देखिए मेरे पास एक सेमी सर्कुलर आर्च है, इस आर्च की वॉल्यूम हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए यहां पर इस तरीके से ब्रिक रहेगा। ओके, तो यहां पर डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट हो सकता है ब्रिक का। तो देखिए इस तरीके से ब्रिक रहेगा, यह है दोस्तों आर्च की थिकनेस, ये मैं ले रहा हूं 190 मिलीमीटर की, ये भी है दोस्तों 190 mm की। आर्च की स्पैन ये मैं ले रहा हूं 1.5 मीटर, ये वेरी कर सकता है। यह है दोस्तों आर्च की हाइट, ये मान लेते हैं सेंटर, तो हाइट कितना आ जाएगा 1.5 बाई 2। अब दोस्तों इसका वॉल्यूम अगर हम लोगों को फाइंड आउट करना है तो वॉल्यूम इक्वल टू हम लोग क्या कह सकते हैं, वॉल्यूम इक्वल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द आर्च, आर्च की जो क्रॉस सेक्शन हम लोगों को मिलेगा उसका एरिया इनटू लेंथ ऑफ द आर्च। तो यहां से हम लोग इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो पहले हम लोग क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द आर्च निकालेंगे,
तो देखिए क्रॉस सेक्शन कुछ इस तरीके का दिखेगा, ये स्क्वायर भी हो सकता है और ये रेक्टेंगल भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए मैं ब्रिक की दो लेयर यूज कर रहा हूँ, एक ब्रिक की लेयर आप देख सकते हैं और यहाँ पर देखिए ब्रिक की और एक लेयर, तो इन दोनों लेयर के बीच में हम लोग मोर्टार यूज करेंगे लेयर को ज्वाइन करने के लिए। तो मोर्टार की थिकनेस हम लोग ले रहे हैं यहाँ पर 10 mm की। अब दोस्तों यहाँ पर मैं एक ब्रिक आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो ये है दोस्तों मेरे पास एक ब्रिक, ओके। तो लेंथ है इसका 190 mm की, हाइट है 90 mm और विड्थ भी है दोस्तों 90 mm की, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है आर्च की थिकनेस जो है 190 mm, ओके। और यहाँ पर आप विड्थ देख सकते हैं, ये क्या है दोस्तों 90 mm, ये क्या है दोस्तों 90 mm और बीच में हम लोग ने मोर्टार लिया है 10 mm थिक। तो ये है दोस्तों इसका विड्थ। तो विड्थ इक्वल टू हम लोग क्या कह सकते हैं, विड्थ इक्वल टू 90 + 90 + 10 mm, मतलब 190 mm, ओके। विड्थ इक्वल टू 190 mm एंड ऑल्सो थिकनेस इक्वल टू 190 mm, ओके। तो आज की क्रॉस सेक्शन की डायमेंशन निकल कर आ गया है। अब दोस्तों यहां पर मैं पुट कर दूंगा 0.19 मीटर इंटू 0.19 मीटर, ओके। अब फ्रेंड्स हम लोग लेंथ ऑफ आर्च निकालेंगे। अब दोस्तों आर्क की लेंथ क्या होगा, सर्कमफेरेंस ऑफ द हाफ सर्किल, इसको हम लोग क्या कहेंगे, लेंथ ऑफ द आर्च। तो यहां पर देखिए यहां पर सर्कमफेरेंस है और यहां पर भी है, तो किसको हम लेंगे, ओके। तो इसको अगर हम लोग ले रहे हैं तो लेंथ घट जाएगा, इसको अगर हम लेते हैं तो लेंथ बढ़ जाएगा। तो इनको भी हम लोग नहीं लेंगे, इनको भी हम लोग नहीं लेंगे, ओके। तो यहां पर जो सेंटर लाइन है इसको ही हम लोग लेंगे, ओके। इसका लेंथ हम लोग निकालेंगे। तो इसका लेंथ निकालने के लिए देखिए इसका फॉर्मूला क्या आएगा, 2πr/2, क्योंकि सर्कल के केस में क्या होता है 2πr, यहां पर हाफ सर्कल है तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2πr हो जाएगा। तो यहां पर r क्या होगा, पाई इंटू r, देखिए यहां पर 1.5/2 प्लस ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना है 0.19/2, क्योंकि देखिए ये है 190 mm, मतलब 0.19 मीटर, तो 0.19 मीटर/2, ओके। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.5/2 प्लस 0.19/2। तो इसको हम लोग यहां पर पुट कर देंगे, पाई इंटू 1.5/2 प्लस 0.19/2। तो अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग के पास निकल के आएगा 0.0361 m² इंटू 2.6546 m। फिर इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0.0958 m³। तो ये आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ द सेमी सर्कुलर आर्च। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग किसी सेमी सर्कुलर आर्च की वॉल्यूम आसानी से निकाल सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे किस तरीके से हम लोग सेगमेंटल आर्च की वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।